वर्कर्स, वेलकम टू गुरु मंदिर टैरो। और ये रीडिंग है अक्टूबर के थर्ड वीक की, तो चलिए देखते हैं आखिर क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड वीक में। पेशेंस, Four of Fire, Page of Air, and Three of Air. ओके, तो पेशेंस के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्वेरियस, थ्री ऑफ एयर के साथ शायद आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ ऑलरेडी ओवर हो चुका है या यहां पे कोई होप नहीं है। ये रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसे लोएस्ट पॉइंट को हिट कर चुका है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं। पेशेंस के कार्ड के साथ आप यहाँ बने हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से आप पेशेंट बने हुए हैं, पर इस पॉइंट पे अब सोचना ज़रूरी हो गया है कि क्या आप हमेशा वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है फोर ऑफ फायर के साथ आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। आप वेट कर रहे हैं कि कब ये पर्सन आपको ये गुड न्यूज़ देगा कि आप दोनों अब फाइनली अपने रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। पेज ऑफ एयर के साथ सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो खुल के कुछ कह नहीं रहा मगर आपको स्टॉक कर रहा है, एंड इनफैक्ट ये देख रहे हैं कि आपकी सहन शक्ति कितनी है। एक तरीके से आपको लिमिट तक पुश कर दिया है इस पर्सन ने और आप नहीं जानते कि अब आप क्या करें। टैरो आपसे कह रहा है कि अब आपको सोचना चाहिए कि क्या आप ऐसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं जो कि बहुत अनसर्टेन है, इनसिक्योर है। हालांकि फोर ऑफ फायर के साथ ऐसा ज़रूर हो सकता है एक्वेरियस की ये पर्सन फिर से आपको एक बार कमिटमेंट दे कि ओके हम बाय द नेक्स्ट ईयर शादी कर लेंगे या हमें इस रिलेशनशिप को पब्लिक कर देंगे या कुछ और। बट सोचने वाली बात ये है कि क्या ये पर्सन ट्रस्टेबल है और क्या ये चीज़ें वैसे अनफोल्ड होंगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आप इस पर्सन को एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं? पेज ऑफ एयर आपसे कह रहा है कि जिस तरीके से ये पर्सन आपको रीड कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आप कौन हैं, उसी तरीके से आपको भी इस पर्सन को रीड करना चाहिए। आपको भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले श्योर होना चाहिए, क्रॉस चेक हर चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि चूंकि आपका दिल बड़ा है और आप डाउट नहीं करते तो आप जो कुछ भी बोलेंगे, वो जो कुछ भी बोलेंगे आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे और ये सब कुछ बहुत आसान होगा। टैरो आपसे कह रहा है कि आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं या नहीं, पर जब भी आपसे कुछ कहा जाए आपको उसकी डेप्थ में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो अभी भी आपको डिस्कवर करना है। आप शायद अब तक पेशेंस रख के इस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे, बट अब टाइम है कुछ रिसर्च करने का। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और चेक करते हैं आपके लिए मैसेजेस। Messenger of water. Ten of water. King of air, strength. तो हमारे पास ten of water है, ten of water के साथ definitely आपके life में बहुत सारी खुशियां wait कर रही हैं। एंड इन फैक्ट ये पर्सन आपके पास वापस आएगा मैसेंजर ऑफ वाटर के साथ। डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, अब भी कुछ ना कुछ ऑफर जरूर करना चाहते हैं। इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर परफेक्ट होगा। किंग ऑफ एयर एक ऐसा पर्सन है जो मैच्योर है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो जानता है कि लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं ये। पर यू नो इमोशंस को मैनेज करना या रिलेशनशिप को हैंडल करना इनके बस की बात नहीं है, और इसीलिए ये पर्सन इस तरीके से फेल हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और लाइफ को हमेशा प्रैक्टिकलिटी के लेंस से ही देखता है। और स्ट्रेंथ के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहना होगा अगर आप इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो। बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एक बैलेंस बना के चलिए, ओके। यहाँ पे हर चीज़ के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आई मीन किंग ऑफ एयर काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच ना कर रहा हो, बिल्कुल साइलेंट हो एंड सोच रहे हैं कि शायद आप ही ने अप्रोच करें। और टेन ऑफ वाटर के साथ आपके साथ अपना ये फ्यूचर जरूर देख रहे हैं मगर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। या मैसेंजर ऑफ वाटर के साथ आपके पास आना जरूर चाहते हैं, आपको फ्रेंडशिप जरूर ऑफर करना चाहते हैं, पर रिलेशनशिप में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इक्वल इम्पोर्टेंस देने को तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण यहाँ बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो जो कुछ भी आप करें, चारों आपसे कह रहा है कि उससे पहले आपको अच्छी तरीके से ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ के गार्ड के साथ आप बहुत स्ट्रांग हैं और अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं, ओके। ऑल्सो स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि इस सिचुएशन में अपने आप को काम बनाए रखना, अपने आप को कंट्रोल करना और यू नो वाइज डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है, पर स्ट्रेंथ रखिए। आप ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता अपने लिए निकाल लेंगे क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है और आपके इंट्यूशंस आपको रास्ता दिखाएंगे हर हालात में। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। प्रैक्टिस पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है एंड शायद ये प्रैक्टिस है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में, अपने माइंड और हार्ट को बैलेंस में रखने के बारे में। अगर आप एक बार फेल होते हैं
तो गिव अप मत कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए अपने इमोशन से डील करने की। आप धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएंगे और अपने लिए स्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग अक्टूबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।